अकली सिंध असम्बली अरसलान ताज के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लांडी पुलिस को मुलजिम की गिरफ्तारी की इजाज़त दी है। कराची की लांडी पुलिस ने अरसलान ताज की गिरफ्तारी के लिए मुंतसिम अदालत से इजाज़त तलब की थी। आपको अपडेट करें हैं कि रुकने सिंध असम्बली अरसलान ताज के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर का मुकदमा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लांडी पुलिस को मुलजिम की गिरफ्तारी की इजाज़त दी है। कराची की लांडी पुलिस ने अरसलान ताज की गिरफ्तारी के लिए मुंतसिम अदालत से इजाज़त तलब की थी। एटीसी कराची में नेटिव जेटिव पुल एहतजाज के खिलाफ मुकदमे की समाअत। अदालत ने एमपीए शाहनवाज जदूद समेत 13 मुलजमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। डीसी किमाड़ी के दफ्तर पर हमला और हंगामा राई का मुकदमा। अरसलान ताज की दरख्वास्त जमानत पर तफ्तीशी अफसर की अदम मौजूदगी पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए शो कॉज नोटिस दे दिया। आपको बताएं कि एटीसी कराची में नेटिव जेटिव पुल एहतजाज के खिलाफ मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने एमपीए शाहनवाज जदूद समेत 13 मुलजमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। डीसी किमाड़ी के दफ्तर पर हमला और हंगामा राय का मुकदमा। अरसलान ताज की दरख्वास्त जमानत पर तफ्तीशी अफसर की अदम मौजूदगी पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए शो कॉज जारी कर दिया।